हमें रहती है कि मुझे कौन सा अवार्ड मिलने वाला है, कौन सा मिलेगा, कब मिलेगा, जो एक्साइटमेंट रहता है ऑब्वियसली जब किसी को देते हैं, दैट आई कैन फील कि लाइक सामने वाले को कितनी खुशी मिल रही होगी. तो कहते हैं ना कि मुझे वैसे भी लोगों को खुशियाँ देने में बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को अवार्ड देना भी अच्छा लगता है ऑब्वियसली, एंड उनकी उनकी खुशी में कहीं ना कहीं मैं अपनी हिस्सेदारी समझती हूँ, तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है वो भी. तो गुजराती अवार्ड फंक्शन में आप पहुंची हैं, अवार्ड्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है गुजराती में, जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर सभी को सम्मानित किया जा रहा है? ये ट्रांसमीडिया का 18th अवार्ड है, गुजराती स्क्रीन अवार्ड है ये, और मैं इस अवार्ड के साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ मिस्टर जे बी शाह के साथ में, और बहुत अच्छा लगता है. एक सोसाइटी है ये, गुजराती सोसाइटी है इसका हिस्सा बन करके, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजराती समाज के लोग हैं, हमारे नॉर्थ के भी हैं और मुंबई महाराष्ट्र के भी हैं, तो एक ये जो सोसाइटी बनी हुई है इसके साथ जुड़ के भी अच्छा लगता है. और जो स्पेशली ये अवार्ड ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने क्षेत्र के लोगों ने, जो नाम रोशन करा होता है हमारा, इसको आगे बढ़ाया होता है, तो उन लोगों को एक मोमेंटो दिया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि और भी ऐसे लोग आएँ और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें, आगे बढ़ाएं. हालांकि गुजराती एंड नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा कनेक्शन है, सो यू तो नो ना, एवरीवन नोज दैट आई लव मोदी जी. मोदी जी की फैन है? हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ आकांक्षा अवस्थी नरेंद्र मोदी जी की फैन है, तो ये अवार्ड फंक्शन अटेंड करना तो बनता है. थैंक यू सो मच.